नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर। और यह ऑटोडेस्क माया सीरीज़ का नहीं, ये ऑटोडेस्क माया सीरीज़ वाला वीडियो नहीं है। इस वीडियो में हम इस बोतल को तो शेडिंग और टेक्सचरिंग और रेंडरिंग करेंगे, बट ये सीरीज़ से अलग है क्योंकि उस सीरीज़ में मैं थोड़ा डिटेल में बताऊँगा कि किस तरीके से इसको अनरैप करना है और किस तरीके से कोई टेक्सचर अप्लाई करना है। क्योंकि ये मॉडल बहुत सिंपल है तो इसमें हमें अनरैपिंग की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पहले से हमारे पास अनरैप होगा। तो अनरैपिंग के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जो कि उस सीरीज़ में आएगी, बट इस बोतल को भी किस तरीके से रेंडर करना है और टेक्सचर करना है और शेड करना है, तो चलिए देखते हैं। तो वापस से आते हैं माया के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पे हमने ये बोतल मॉडल करी थी लास्ट वीडियो में, तो इसको मैं हाइड कर देता हूँ। तो यहाँ हमारे पास बोतल है, तो इस बोतल में हमने सारे पार्ट्स इसके अलग अलग बनाए थे। ये हमारा लिक्विड वाला पार्ट हो गया, ये हमारा कैप हो गया और ये हमारा बोतल वाला पार्ट हो गया। तो सबसे पहले करते हैं अनरैपिंग। मेनली हमने इसको सिलेंडर से बनाया है तो ये पहले से ही अनरैप है, क्योंकि हमने इतने चेंजेस नहीं करे कि कुछ ज़्यादा मेजर डिफरेंस आए। तो फिर भी चलिए एक बार देख लेते हैं। तो मेनली बस हमें इस बोतल को अनरैप करना है, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे अगर कुछ टेक्सचर ऐड करना है तो उसको भी अनरैप कर सकते हैं। बाकी अभी इस बोतल पर हमने लेबल लगाना है तो इसको अनरैप करके देखते हैं। तो करना क्या है, इस बोतल को पकड़ना है, यहाँ से मॉडलिंग वाले टैब में रहना है और यूवी एडिटर में आ जाना है। जैसे ही आप यूवी एडिटर को ओपन करोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास दो यूवीज हैं, क्योंकि हमने सिलेंडर से बनाया था। तो हो क्या रहा है, हमारा सिलेंडर पहले से ही अनरैप होता है क्योंकि हमारे जितने प्रिमिटिव्स हैं वो पहले से ही अनरैप हुए रहते हैं। तो हमारा सिलेंडर था, पहले से अनरैप है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, तो ये हमारा अनरैप काम करेगा। बट इसमें एक चीज़ और देखने वाली है कि हमारी सीम्स कहाँ पे हैं। सीम्स मतलब ये कहाँ से कटा हुआ है, कहाँ से इसमें जॉइंट है जहाँ से ये अनफोल्ड होता है, क्योंकि आप देख सकते हो कि राउंड है। एक मिनट में इसको हटाता हूँ, इसका कैप करता हूँ हाइड और लिक्विड भी ऐड करता हूँ अभी के लिए। तो जो चीज़ हमारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा वही हमारे यूवी एडिटर में दिखाई देगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक लाइन खींची हुई है और यहाँ पे नीचे बॉटम में हमारे पास एक और लाइन है वाइट कलर की। तो ये हमारी सीम है, मतलब कि यहाँ से ऑब्जेक्ट, ये समझिए कि ये गोल है, हमने यहाँ से कैंची चला के इसको काट दिया। हम इसको एक अब फ्लैट कर सकते हैं, तो ये चीज़ हो रखी है, यहाँ से ऊपर से नीचे तक आ रहा है, यहाँ तक कटा हुआ है, यहाँ तक कटा हुआ है, तो इतना हिस्सा अलग हो गया, फ्लैट हो गया, तो ये गोला अलग हो गया, यही फ्लैट हो गया। तो अब हमें करना है क्या है, अभी हमारे पास ये काम तो करेगा लेकिन हमारे पास इसमें डेप्थ है, मतलब ये बोतल में डेप्थ है, तो हमें यहाँ पे इसको भी अलग करना पड़ेगा, यहाँ पे भी हमें एक सीम देनी पड़ेगी ताकि हम अंदर वाला पार्ट अलग कर सकें और ये बाहर वाला पार्ट अलग कर सकें। तो मैं एज मोड में आ जाता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ इस पर, तो ये हमारा एज लूप सेलेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे यूवी एडिटर में आता हूँ, अब मैं यहाँ पे करता हूँ शिफ्ट राइट क्लिक और यहाँ पे करना है कट। तो जैसे यहाँ पे कट किया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी एक और वाइट लाइन आ गई। अब इसका मतलब क्या है, अब मैं डबल क्लिक मैं यूवी में आता हूँ और डबल क्लिक करके इस पूरे अंदर वाले लूप को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। आप इसी तरीके से इसको भी कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास ये डबल है, एक बाहर वाला पार्ट और एक सेम टू सेम अंदर वाला पार्ट। तो ये हमारा बाहर वाला जो बाहर की तरफ दिखेगा, ये हमारा अंदर की तरफ होगा यूवी। यहाँ पे मैं करता हूँ टेक्सचर्स को ऑन और इसको करता हूँ बड़ा। अब मैं यहाँ पे चेकर्स पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि चेकर्स हमारे इस बोतल पे अप्लाई हो गए हैं। हम इस चेकर में एक बात का ध्यान रखना होता है कि हमारे पूरे बोतल पे चेकर का साइज़ एक जैसा होना चाहिए, कि जैसे आप देख सकते हो कि बेस में हमारे चेकर्स का साइज़ है वो छोटा है और यहाँ पे बोतल पे चेकर का साइज़ है वो बड़ा है, तो हमें ये चीज़ नहीं होने देनी, हमें चेकर का साइज़ बराबर ही रखना है। हमें इनको छोटा करना पड़ेगा, इसको बड़ा करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे यू भी लेता हूँ। और चेकर्स में एक और ध्यान रखने वाली बात है कि हमारे ये स्क्वायर हैं, ये बॉक्सेस हैं, ये हमारे हमेशा स्क्वायर में होने चाहिए, कि जैसे यहाँ पे अभी ये स्क्वायर की जगह रेक्टेंगल में हो गए तो यहाँ पे हमारा टेक्सचर स्ट्रेच करेगा। बट हमें यहाँ पे अभी अपना टेक्सचर जो लगाना है जो कि हमारा लेबल होने वाला है, तो यहाँ पे ये ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर यहाँ पे भी आप कुछ लगाना चाहते हो तो ये स्क्वायर करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो हमारी एजेस हैं इनको हमें और अनरैप करना पड़ेगा, तो वो मैं अनरैप वाली वीडियो में बताऊँगा, बट अभी के लिए इसको इतना ही छोड़ते हैं। इमेज पे जाना है और यहाँ पे यूवी स्नैपशॉट पे क्लिक करना है।
तो यहाँ पे आप इसको पाथ दे सकते हो और यहाँ पे इसका साइज डिफाइन कर सकते हो कि कितने साइज का आपका टेक्सचर होना चाहिए। ये 2K साइज है। तो यहाँ पे इस तरीके का लेआउट हमारे पास सेव होके आया है। तो हमें पता है कि ये वाला फ्रंट है, ये वाला इनर वाला पार्ट है, इसको हमें लेके जाना है फोटोशॉप के अंदर। तो आपको करना है क्या, इंटरनेट से आपको कोई भी फोटो या लेबल या कुछ भी आपको जो टेक्सचर के रूप में इसके ऊपर लगाना है वो डाउनलोड कर लेना है। तो मेरे को ये लेबल उसके ऊपर लगाना है बोतल के ऊपर, तो मैंने ये डाउनलोड किया हुआ है। अब मैं इसको लेके जाता हूँ फोटोशॉप के अंदर और इसको बस मेरे को यहाँ पे ही एडजस्ट कर लेना है कि जितने में मेरा लेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे ये लाइंस पतली हो रही हैं, तो इसका मतलब यहाँ से हमारा बोतल का नेक स्टार्ट हो चुका है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं लगभग यहाँ पे इस लेवल को लगा देता हूँ। तो अब हमें इसे ट्रांसपेरेंट बनाना होगा। ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए तो अब यहाँ पे लेते हैं मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ। ये हमारा वाइट पार्ट सिलेक्ट हो गया है और मैं इस लेयर को सिलेक्ट करते हुए मास्क पे क्लिक करता हूँ। तो ये हमारा मास्क बन गया। अब मैं इसको इन्वर्ट करता हूँ कंट्रोल आई से, तो ये हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया। हमारा वाइट वाला पार्ट यहाँ से चला गया और मैं इस वाली लेयर को भी ऑफ करके करूँगा क्या। अब मैं इसको कर लूँगा सेव, कंट्रोल शिफ्ट एस, और इसको PSD में ही सेव करना है। अब हमें इसमें लगाने हैं, तो हम शेडर यहाँ से हाइपर शेडर को ओपन करते हैं। तो ये हमारा शेडिंग का एनवायरनमेंट है हाइपर शेडर, कि हम यहाँ से अपने शेडर्स बना सकते हैं और उनको यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं अपने मॉडल पे। तो यहाँ पे मैं शेडर्स में जाता हूँ, आर्नोल्ड शेडर्स, और यहाँ पे मैं लेता हूँ स्टैंडर्ड AI सरफेस शेडर। तो इस पर क्लिक करते ही हमारा यहाँ पे शेडर आ चुका है, यहाँ पे शेडर आ चुका है। ये शेडर्स की लिस्ट है और ये शेडर्स को नोड एडिटर है शेडर्स का। तो मैं यहाँ पे इसका नाम चेंज करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ ग्लास, GLASS ग्लास, क्योंकि ये हमारा मेन ग्लास शेडर होने वाला है। और यहाँ पे प्रीसेट में जाके इसको ग्लास और रिप्लेस कर देता हूँ। तो इस शेडर को अप्लाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम दो तीन तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सीधा मिडल माउस क्लिक एंड देन ड्रैग एंड ड्रॉप, तो इस पर शेडर अप्लाई हो गया। और दूसरे तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं कि सीधा नोड एडिटर से या मिडल माउस से यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं। और जो तीसरा तरीका है वो क्या है, अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा और अपने मटेरियल्स पे गए, राइट क्लिक एंड देन ऊपर हमारे पास है असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, कि हमने जो सिलेक्ट किया हुआ है उस पर ये मटेरियल असाइन हो जाए। तो ये हमारा मटेरियल इस पर असाइन हो गया। ये ग्लास है तो इसलिए पूरा कम्प्लीटली डिसअपीयर हो जा रहा है। ठीक है, हमने ग्लास शेडर तो बना लिया बोतल के लिए, बट हमें इस पर अब लेबल लगाना है। तो लेबल लगाने के लिए हमें एक और शेडर चाहिए होगा जिसमें हम लेबल अप्लाई करेंगे एंड देन इनको मिक्स कर देंगे। तो मैं दोबारा से यहाँ पे शेडर में आता हूँ और यहाँ पे फिर से ही AI स्टैंडर्ड सरफेस शेडर लेता हूँ और इसका नाम कर देता हूँ लेबल लेबल। तो यहाँ पे हम दो तीन तरीके से अब अपने टेक्सचर को लेके आ सकते हैं। अगर हम नोड के थ्रू लेके आना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे टैब दबाऊंगा और लिखूंगा फाइल, और यहाँ पे फाइल टेक्सचर ले लूँगा और उससे मैं उसको लेके आऊँगा। और दूसरे तरीके से अगर हम करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपने शेडर को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे कलर में जाना है, यहाँ पे फाइल्स में जाना है और यहाँ पे उस फाइल को हमने नेविगेट करना है कि कहाँ पे वो फाइल है। तो हमने ये PSD में उसको सेव किया हुआ है, तो उस PSD को मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। तो सेम चीज़ हुई है, अगर मैं फाइल करता तो फाइल मेरा पहले ही नोड बनता और उसी नोड पे जाके मैं सिंपली सिलेक्ट करता, बट अब इसमें हमने यहाँ से इसको नोड को क्रिएट किया है बिना सर्च करे। तो हमारे पास दो नोड दो शेडर्स हैं, ये हमारा ग्लास शेडर है, ये हमारा लेबल शेडर है। आप देख सकते हो कि लेबल हमारा यहाँ पे आ रहा है, बट अभी हमने इस शेडर को इस पर अप्लाई नहीं किया। तो अगर मैं इसको इस पर अप्लाई करता हूँ तो आप देख सकते हो कि हमारा लेबल बिल्कुल सही जगह पर आया है, क्योंकि हमने इसको इस UV के थ्रू बनाया है। तो UV हमें गाइड करती है कि कहाँ पे हमारा टेक्सचर आएगा, इसलिए हमने UV को पहले अनरैप करना होता है। जिस तरीके से अनरैप होता है उसी तरीके से मॉडल के ऊपर दोबारा से रैप होता है। तो यहाँ पे हमारा लेवल अच्छी तरीके से आ चुका है और यहाँ पे हमारा ग्लास का शेडर भी बन चुका है। बस अब हमें इनको मिक्स करना है। तो मिक्स करने के लिए मिक्स, तो आपने सही सोचा, एक मिक्स शेडर हमें चाहिए होगा मिक्स करने के लिए। तो मैं वापस से आर्नोल्ड शेडर में जाता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ या फिर ढूंढता हूँ AI मिक्स। तो ये रहा हमारे पास AI मिक्स शेडर,
और बाकी आप नोड एडिटर में सिंपली टैब दबा के यहाँ पे भी लिख सकते हो मिक्स, आप यहाँ पे कोई सा भी सर्च कर सकते हो, कुछ भी सर्च कर सकते हो, ये एक तरीके से ग्लोबल सर्च है हमारे नोड्स के लिए। तो शेडर, मिक्स शेडर, तो यहाँ पे मैंने मिक्स शेडर ले लिया है। तो ओके, मैं एक बार इस लेबल वाले को अप्लाई कर देता हूँ ताकि हमें बोतल दिखती रहे। तो मिक्स शेडर जैसा नाम से बता रहा है कि दो शेडर्स को मिक्स करेगा, तो उसको मिक्स करने के लिए हमने इसके आउटपुट को इसके फर्स्ट में लगाना है और इसके आउटपुट को इस मिक्स के सेकंड में लगाना है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस मिक्स में दो शेडर्स को ऐड करने के लिए इनपुट्स हैं। तो हमने इन शेडर को ऐड तो कर लिया, बट अभी हमारे बोतल पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि हमने लेबल वाला शेडर इस बोतल पे अप्लाई करा हुआ है। अब हमें मिक्स शेडर इस पे अप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमें इनका मिक्स दिखाई दे सके। तो मैंने मिक्स शेडर तो अप्लाई करा लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो अभी देखते हैं कि दिक्कत कहाँ पे है, इसको एक बार व्यूपोर्ट रेंडर करके देखते हैं। मैं रेंडर पे जाता हूँ, आर्नोल्ड एंड देन यहाँ पे क्लिक करके इसको रेंडर ऑन कर लेता हूँ। तो हमने रेंडर तो ऑन कर दिया बट सब कुछ ब्लैक हो गया। इसका मतलब क्या है कि हमारे सीन में कोई भी लाइट नहीं है। तो लाइट लाने के लिए हमें करना क्या है, हमें जाना है आर्नोल्ड पे, यहाँ जाना है लाइट्स पे और हमें ले लेना है स्काई डोम लाइट। स्काई डोम लाइट से क्या होगा कि हमारी चारों तरफ एक डोम बन जाएगा जो कि एक लाइट एमिट करेगा। तो आप देख सकते हो कि एक डोम बना हुआ है, मतलब एक बहुत बड़ा स्फीयर है, वो एक लाइट एमिट कर रहा है, एक बहुत बड़ा लाइट का सोर्स। तो ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो वाइन का लेबल है वो दिखाई दे रहा है। और मैं अगर आपको दिखाऊं, अगर मैं इसको वन करता हूं तो मैं पूरा लेबल दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसको जीरो करता हूं तो हमें पूरा ग्लास का शेडर दिखाई दे रहा है। बट हमें इसे इस तरीके से मिक्स करना होगा कि हमें जहां पर लेबल है केवल वहां पर ही लेबल दिखाई दे और जहां पर ग्लास है वहां पर पूरा ग्लास दिखाई दे। तो उसके लिए हमें करना क्या है, हमारा मिक्स शेडर है यहाँ पर, हमें वैल्यू की जगह एक मैप लगाना पड़ेगा। मैप मतलब जो डिफाइन करे कहाँ पे हमारा ओपेसिटी होना चाहिए उस लेबल के लिए, कहाँ पे हमारा ग्लास के लिए ओपेसिटी होना चाहिए, वो डिफाइन करेगा। तो हमारे पास डिफाइन करने के लिए पहले से ही हमारा एक हमने फाइल ले रखी है, इसमें एक अल्फ़ा करके चैनल है। तो इस अल्फ़ा चैनल को हम इस मिक्स शेडर में ऐड कर देंगे। तो अब देखते हैं होता क्या है। अब आप देख सकते हो कि जो हमारा वाइट वाला पार्ट है वो हमारा ग्लास का पार्ट है, क्योंकि हमारा ग्लास पूरा ही पारदर्शी है कि वो मतलब ट्रांसपेरेंट है पूरा। इस तरीके से हमें पीछे का सब कुछ दिखाई दे रहा है, लाइट दिखाई दे रही है और हमारा आप देख सकते हो कि ग्लास बिल्कुल क्लियर हो चुका है। और अगर हमें मिक्स शेडर पे जाके आपको यहाँ वैल्यू दिखाऊं तो वैल्यू को हम मूव नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे मैप आ चुका है, वो मैप के थ्रू वैल्यू ड्राइव हो रही है। तो चलिए थोड़ी लाइटिंग को चेंज करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस डोम को सेलेक्ट करता हूँ और एट्रीब्यूट में जाता हूँ और यहाँ पर एक HDRI मैप लगाता हूँ, HDRI मैप्स जो कि हमारी लाइट एमिट करते हैं। सेम तरीके से हमने इसको डोम को सेलेक्ट करा, एट्रीब्यूट में आया, कलर में आया, यहाँ पे हमने फाइल चूज़ करना है और उस फाइल को एक पाथ देना है जहाँ पे हमारा वो मैप है। तो आप ये HDRI मैप HDRI हेवन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ कलरफुल स्टूडियो, तो यहाँ पे ये 8K के टेक्सचर का मैप है इसलिए थोड़ा टाइम लेगा लोड होने में। आप देख सकते हो कि 97 MB, क्योंकि इस मैप के अंदर पूरा लाइट का डेटा होता है तो इसलिए थोड़ा ये हैवी होता है। और यहाँ पे हमारी रेंडरिंग भी साथ साथ चल रही है, अगर मैं इसको एक बार रोक दूँ तो ठीक है। तो मैं दोबारा करता हूँ, अब आप देख सकते हो कि क्लियर तरीके से कि हमारा ग्लास और हमारा लेबल दोनों आ चुके हैं। तो एक बार मैं इसके लिए बेस बना लेता हूँ। इससे पहले मैं कैमरा लगा लेता हूँ, पैनल को दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ और यहाँ पे मैं लगाता हूँ कैमरा। अभी जो मैंने जैसे कैमरा लगाया और उसको यहाँ पे सिलेक्ट करा, आप ये सारी चीज़ें मेरी पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं, मैंने ये सब कुछ पहले से
एक्सप्लेन करा हुआ है कि मैं कैसे यहाँ पे एक चीज़ बना सकता हूँ, किस तरीके से इनको अपने पर्सनली इसको पर्सनलाइज कर सकता हूँ शेल्फ को। इसमें हम यूज़ करेंगे बेवल इस एज के ऊपर, तो बेवल जैसे मैंने सेलेक्ट करा, आप ही सब कुछ पुरानी वीडियो में देख सकते हैं, मैंने सब कुछ पहले से एक्सप्लेन करा हुआ है, ये बस शेडर वाला पार्ट इसमें नया है और रेंडरिंग वाला पार्ट नया होगा, ठीक है। और मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ जाता हूँ, तो ये हमारा बैकड्रॉप बन गया कैमरे के लिए, हमारा कैमरा भी लॉक है, हम इसमें हिला नहीं सकते इसको, ठीक है। अगर मैं इस पर रेंडरिंग पे जाके अर्नोल्ड पे जाके अब मैं ऐसे इसको ऑन करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि ये बैकड्रॉप हमारा कितना लाइट एमिट कर रहा है, क्योंकि बिल्कुल वाइट है, वो लाइट को बहुत ज़्यादा बाउंस कर रहा है। एक बार तो पहले मैं लाइट को ही थोड़ा कम करता हूँ, तो हमने अपना लाइट को डोम सेलेक्ट करा और यहाँ पे नीचे आए, तो यहाँ पे इंटेंसिटी है, तो इंटेंसिटी को मैं कर देता हूँ 0.5, ठीक है। तो आप थोड़ा बेटर देख सकते हो। अगर आपको हाइपर शेडर से मटेरियल अप्लाई नहीं करना कि यहाँ पे पहले मटेरियल बनाए उसके बाद उसको अप्लाई करें, तो उसका दूसरा तरीका क्या है, आपने अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा, राइट क्लिक करा और असाइन न्यू मटेरियल, तो यहाँ पे आपसे मटेरियल पूछेगा, तो हमें आर्नोल मटेरियल देना है उस पर, तो ये मटेरियल अपना है उस पर, तो ये मटेरियल अपना आप ही उस पर अप्लाई हो जाएगा। तो उसको मटेरियल को देखने के लिए हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक और मटेरियल एट्रीब्यूट, तो ये हमारा उस मटेरियल का एट्रीब्यूट आ गया। तो थोड़ा सा कलर कर देते हैं डार्क, और आप देख सकते हो कि हमारा बैकड्रॉप कितना शाइनी है, तो इसमें थोड़ी सी रफनेस बढ़ाते हैं, तो डिफ्यूज़ रफनेस, ठीक है, रफनेस तो हमने बढ़ाई, और उसके साथ साथ हमें यहाँ पे भी रफनेस बढ़ानी पड़ेगी स्पेकुलर के अंदर, क्योंकि हमारा स्पेकुलर में रफनेस बहुत कम है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हमारा वो स्पॉट जो है चला गया है, और मैं इस रफनेस को कम करूँ तो हमारा नीचे ऑब्जेक्ट थोड़ा शाइनी होगा। अब हमें इस कैप पे टेक्सचर लगाना है, तो कैप पे मैंने सिंपली एक गोल्डन टेक्सचर लगाया है, सॉरी गोल्डन शेडर लगाया है, तो इस पर भी मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे असाइन न्यू मटेरियल में जाता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ STANDD स्टैंडर्ड सरफेस शेडर, तो ये हमारा इस पर अप्लाई हो चुका है। तो यहाँ फोकस में जाके आप देख सकते हो कि स्टैंडर्ड AI सरफेस शेडर, और बाकी अगर आपको एक बार में नहीं आता तो आप इस पर दोबारा मटेरियल एट्रीब्यूट पर दोबारा क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर आ जाओगे। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, तो उसका नाम चेंज करता हूँ, इसको करता हूँ कैप, ठीक है। और आप यहाँ प्रीसेट्स में आके इसको कर सकते हो गोल्ड, तो ये अपने आप ही पूरा पूरा गोल्ड में हो जाएगा। इसको सेव कर लेते हैं, दोबारा प्रीव्यू ऑन करते हैं, तो आप देख सकते हो कि हमारा ये गोल्ड हो चुका है। और लिक्विड को अनहाइड करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, वही राइट क्लिक और असाइन न्यू मटेरियल, और इस पर भी यही स्टैंडर्ड सरफेस शेडर मटेरियल अप्लाई करता हूँ और यहाँ पर इसको नाम कर देता हूँ लिक्विड लिक्विड, और इसको भी प्रीसेट्स में देखते हैं अगर हमें कुछ मिलता है तो लिक्विड के लिए। तो यहाँ पे हमारा क्लियर वाटर है, तो क्लियर वाटर मैं लेता हूँ, उसको करता हूँ 100% रिप्लेस। अगर आप देखें तो हमारा अंदर लिक्विड आ चुका है, तो मैं वापस से हाइपर शेडर में आ जाता हूँ और ये हमारा लिक्विड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पूरा नीचे मैस हो चुका है, सब कुछ एक साथ आ गया है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या, अभी हमें लिक्विड पर काम करना है, तो हम क्या करेंगे, लिक्विड पे राइट क्लिक करेंगे और ग्राफ नेटवर्क पे क्लिक करेंगे, तो सब कुछ चला जाएगा, बस हमें इस लिक्विड का ही ग्राफ दिखाई देगा। तो उसको यहाँ पे प्रीसेट में हमने क्या किया था, क्लियर वाटर किया था। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन क्या है, हमारा ट्रांसपेरेंसी के लिए वर्क करता है, तो हमारा फुल ट्रांसपेरेंट है बट वाइट कलर है, वाइट कलर मतलब कोई कलर ही नहीं है। तो इस पर मैं आता हूँ और इसको कलर करते हैं रेड, वाइन की तरह थोड़ा डार्क रेड करते हैं, ओके वाइन का कलर डार्क रेड हो चुका है। और अगर आपको कलर वो ठीक नहीं लग रहा तो वापस से यहाँ पे आइए और इसको कलर को यहाँ से लाइट कर सकते हो, तो आप देख सकते हो कि वाइन का कलर थोड़ा सा लाइट हो चुका है, ओके तो मैं इसको प्रीव्यू को रोकता हूँ। तो यहाँ पे हमारा शेडिंग का पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अब देखते हैं रेंडरिंग का पार्ट। रेंडरिंग करने के लिए हमें क्या करना है, पहले तो इस बोतल के हमारे जो तीनों पार्ट्स अलग हैं इनको एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आउटलाइनर में इनको सिलेक्ट करूँगा, बोतल लिक्विड एंड देन कैप, और कंट्रोल जी प्रेस करूँगा, कंट्रोल जी प्रेस करते ही हमारा ये एक ग्रुप बन जाएगा। ऑब्जेक्ट्स अभी भी अलग अलग हैं लेकिन इस ग्रुप के अंदर
बट हम इस ग्रुप को एक साथ अब मूव कर सकते हैं, वरना हमें तीनों को अलग अलग मूव करना पड़ता है। तो इस ग्रुप को नाम दे देता हूँ मैं बोटल। तो बोटल हमने इस ग्रुप को नाम दे दिया। तो जैसा कि आपने इसमें देखा था कि हमने तीन बॉटल्स ले रखी हैं, तो ये मैंने इस बॉटल को डुप्लीकेट करना है। तो कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर सकते हैं, अगर आपको ध्यान हो, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। तो अब हमारी तीन बॉटल्स हो चुकी हैं। ठीक है, तो मैं इसको भी बैकड्रॉप को पकड़ के भी इस पर भी तीन प्रेस कर देता हूँ, ताकि ये भी हमारा और स्मूथ हो जाए। ठीक है, और सेव कर लेते हैं प्रोजेक्ट को, और अब रेंडर को प्रीव्यू करते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारी बॉटल किस तरीके से रेंडर हो रही है, और हमारा ये बैकड्रॉप किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो जो हमने जो HDRI मैप लगाया हुआ है, उसकी वजह से हमारी इतनी सारी लाइट्स के लिए शेडो बन रही हैं। तो हम यहाँ पे उसको बंद करके अपनी पर्सनल लाइट्स भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आर्नोल पे लाइट, यहाँ पे जो एरिया लाइट है, हम इसको भी अपने हिसाब से 3-point लाइट या 4-point लाइट जो भी लाइट का सेटअप बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं, वरना सिंपली हम HDRI यहाँ पे लगा सकते हैं। तो चलिए एक बार दूसरा HDRI यहाँ पे लगा के देखते हैं। यहाँ से मैं स्काई डोम को सिलेक्ट करता हूँ और एट्रीब्यूट्स एडिटर में आता हूँ, और स्काई डोम लाइट कलर, तो यहाँ पे मैं इसको चेंज करता हूँ। यहाँ पे मैं कलरफुल वाला लिया हुआ था, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ, एक नाइट मोड में भी था मैंने, ये रहा नाइट। इसको मैंने अभी तक ट्राई भी नहीं किया कैसा है, तो उसको ट्राई करते हैं। ये काफ़ी बड़ी फाइल है, इसलिए लोड होने में टाइम लेती है। तो करता हूँ इसको ओपन। तो यहाँ पे जैसे नाम चेंज होता है, तो फिर हम इसको यहाँ पे प्रीव्यू को दोबारा से ऑन करते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे नाम चेंज हो चुका है, मतलब हमारी फ़ाइल यहाँ पे लोड हो गई। तो मैं करता हूँ यहाँ पे एक बार सेव कर लेते हैं फाइल को, माया फाइल सेव करते हुए चलें अपनी, वरना माया कभी भी क्रैश कर सकता है बिना बताए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे हमने लाइट ही चेंज करी, तो लाइट चेंज करते ही हमारा पूरा पूरा लुक एंड फील चेंज हो गया, नाइट वाला लुक एंड फील आ गया। तो इसमें मैं करता क्या हूँ, जो हमारा बैकड्रॉप है इसका थोड़ा सा कलर और ब्राइट करते हैं। तो इसका कलर को थोड़ा सा ब्राइट करता हूँ। आप यहाँ पे इसको कलर भी दे सकते हो, जैसे वो येलो टिंट आ रहा है, तो उसको मैं थोड़ा ब्लूइश टिंट दे सकता हूँ, और इसको थोड़ा। और इसकी रफनेस को करता हूँ कम, यहाँ पे भी रफनेस को करता हूँ कम। तो आप यहाँ पे इसके नीचे आप शेडो देख सकते हो कि ये शाइनी सरफेस की तरह वर्क करेगा। और मैंने क्या किया था कि कैमरे में डेप्थ ऑफ फील भी ऐड करी थी। तो डेप्थ ऑफ फील के लिए क्या कर सकते हैं, हमने कैमरे पे जाना है, यहाँ पे ऑप्शन को क्लिक करके। ये सारे ऑप्शंस मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताए हुए हैं, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। तो इस पे आने के बाद यहाँ पे हमें नीचे आ जाना है आर्नोल्ड पे। यहाँ पे डेप्थ ऑफ फील्ड का ऑप्शन है, बट ये माया कैमरा के लिए है, लेकिन हमने आर्नोल्ड से रेंडर करना है, तो हमें आर्नोल्ड पे आना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑप्शन है हमारे पास डेप्थ ऑफ फील्ड DOF, देखते हो इसको अनेबल करना है। और उसके बाद हमें एक डिस्टेंस देना है कि फोकल डिस्टेंस, हमारा फोकस डिस्टेंस कितना है इस ऑब्जेक्ट का और कैमरे के बीच का। तो उसको देखने के लिए हमने करना क्या है, डिस्प्ले पे जाना है, हेड्सअप डिस्प्ले पे जाना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास ऑब्जेक्ट डिटेल्स। तो इसको ऑप्शन को ऑन कर लो, और जो हमारा मेन वाला बॉटल है या जो भी ऑब्जेक्ट को आप फोकस में रखना चाहते हो उसको सेलेक्ट करो, तो यहाँ पर उसका डिस्टेंस आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि 29.554, तो बस मेरे को यही डिस्टेंस वहाँ पे ऐड करना है 29.554। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ वापस से कैमरे पे जाता हूँ, और कैमरा शेप पे जाना है 29.554। तो अब हमारा डिस्टेंस बिल्कुल फिक्स हो चुका है, और अपर्चर कितना रखना है और ब्लेड्स कितने रखने हैं। ब्लेड्स आप 8 स्टैंडर्ड लेके चलें, आप 6 भी कर सकते हैं, 12 भी कर सकते हैं, बट 8 मेरे ख्याल से ठीक है, 8 अच्छा होता है, 8 नहीं ज़्यादा कम है, नहीं ज़्यादा ज़्यादा है।
और अपर्चर साइज़, अपर्चर साइज़ यहाँ पे फिज़िकली नहीं है, मतलब फिज़िकली आप यहाँ पे कोई अपर्चर नहीं टाइप कर सकते कि 1.8 या 2.5 या सोन। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, जो कि एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर आपको अपर्चर बढ़ाना है, मतलब आपको वो डेप्थ ऑफ फील्ड वाला फील बढ़ानी है, तो आपको बस ये वैल्यू को बढ़ाते जाना है, कोई आपको अपर्चर डाउन नहीं करना। क्योंकि 3D में होता क्या है, आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है, वो कोई मैसिव स्केल में बना दिया, आपने स्केल का ध्यान नहीं रखा, अगर आप उसको फिज़िकली कैमरे से डेप्थ लाने की कोशिश करोगे वो नहीं आएगी। तो उसके लिए ये चीज़ बहुत सही है। अपर्चर साइज़ यहाँ पे हम रखते हैं 0.5 के करीब, और मैं करता हूँ इसको रिव्यू दोबारा। तो आप देख सकते हो कि पीछे वाली बॉटल्स थोड़ी फोकस में नहीं है। अब अगर मैं इसको बढ़ा के बंद करता हूँ तो आप इफ़ेक्ट का, तो आप इफ़ेक्ट को देख सकते हो कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। अगर मैं इसको 5 कर दूँ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ इसको बस 0.3 या 0.5 के आसपास रखता हूँ। ठीक है, तो हमें अगर ये कॉम्पोजिशन ठीक लग रही है या फिर हमें अब फाइनल रेंडर करना है, तो उसके लिए हमें करना क्या है, तो मान लेते ये कंपोजिशन हमारी फ़ाइनल है। तो अब मैं जाता हूँ सेटिंग्स पे, और यहाँ पे कॉमन सेटिंग्स में, और यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे को रेजोल्यूशन सेलेक्ट करना है कि किस रेजोल्यूशन का मेरे को इसको रेंडर करना है, HD करना है, फुल HD करना है। तो मान लेते हैं मेरे को फुल HD में इसको रेंडर करना है, 1080 में। ठीक है, और किस फॉर्मेट में मेरे को इसको एक्सपोर्ट करना है, JPEG, PNG, DIP, EXR, TIFF, EXR या माया, जिसमें भी मतलब मेरे को उसको रेंडर करना है वो फॉर्मेट यहाँ पे मैं ले सकता हूँ। मैं इसको भी EXR ही छोड़ देता हूँ। और तो यहाँ पे आर्नोल्ड रेंडर के अंदर यहाँ पे हम इसको कैमरा सैंपल्स को मैं 10 रखता हूँ। तो ठीक है, आगे चलते हैं। और यहाँ पे GPU हमने सिलेक्ट करा हुआ है, AOB में यहाँ पे डिनोइज़र में हमने ये ऑन रखना है। ओके, अब हम जाते हैं, इस पर जाना है और यहाँ से अपना रेंडर सेलेक्ट करना है, और रेंडर पे जाके अपना कैमरा सेलेक्ट करना है, और इसके बाद हमारा जो रेंडरिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारी जो इमेज है वो रेंडर हो चुकी है। तो उसको सेव करने के लिए हमें करना क्या है, फाइल पे जाना है और सेव इमेज एज, आपको रो पे नहीं करना, आपको यहाँ पे कलर मैनेज्ड पे करना है, देन अप्लाई एंड क्लोज, और फिर इसको सेव इमेज करना है जहाँ पे भी आप चाहते हो। तो हमारी फ़ोटो यहाँ पे सेव हो गई। तो ये मैंने जो लाइटें लगाई थी वो HDRI यूज़ नहीं की थी, यहाँ पे खुद ही 3-point लाइट सेटअप बनाया था, और ये हमने सिंपली HDRI से। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स को अनरैप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइज, आप सभी का शुक्रिया, बी सेफ़।